एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको मलाई चाप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरी पिछली वीडियो थी चाप स्टिक्स की, उसका मैं लिंक आपको ऊपर दे रही हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको काफी टिप्स और ट्रिक्स बताए थे जिसके कारण हमारी चाप स्टिक्स काफी अच्छी बनती है। हम चाप स्टिक्स को 15-20 दिन तक फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं चाप स्टिक्स के साथ मलाई चाप बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन और ऑल प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम मलाई चाप बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 4-5 चम्मच फ्रेश कर्ड के डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च। अगर आप हल्दी डालना चाहते हो तो थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर सकते हो। 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 टीस्पून बेसन डाल के सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी मेथी और पुदीने का सीजन होता है तो इन दोनों को छाया में सुखा लेती हूँ। फिर इन दोनों को एक कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करके अच्छी तरह मसल मसल के पाउडर करने के बाद एयर टाइट डिब्बे में स्टोर कर लेती हूँ। अब मैंने इन दोनों का 1/2 टीस्पून पाउडर लेके पानी में डिप करके रखा ताकि इसमें कोई भी मिट्टी का पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाए। 3-4 बार इनको अच्छी तरह धोने के बाद बैटर में डालेंगे। इस पाउडर से बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको क्रीमी बनाने के लिए इसमें 2 टीस्पून फ्रेश मलाई डालेंगे और साथ ही साथ 2 टीस्पून मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर डाल देंगे। पिछली वीडियो में हमने जो चाप स्टिक्स बनाई थी वही हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद 2 टीस्पून लेमन जूस डालेंगे और सारी चाप्स को अच्छी तरह मैरिनेट कर लेंगे। फिर इसको 1 आवर के लिए रेस्ट देंगे। इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक कटोरी में 1 पीस कपूर रखेंगे, हींग पाउडर या हींग का पीस, 1 चम्मच घी डाल के इसको माचिस के साथ जला लेंगे। जब हींग और घी अच्छी तरह आग पकड़ ले तो इसको प्लेट के साथ कवर कर देंगे। कवर करने से इसमें धुआं इकट्ठा हो जाता है जिससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाएगा। 1 आवर के बाद एक पैन में 3-4 चम्मच देसी घी या बटर के डाल के अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। फिर मैरिनेट की हुई चाप्स को इसमें शैलो फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही इनको शैलो फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन होने पर इनकी साइड चेंज कर लेंगे। अगर आप इसे गैस के ऊपर ग्रिल करना चाहो तो मेरी पनीर टिक्के वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी जिसका लिंक मैं आपको ऊपर दे रही हूँ। दोनों साइड्स के गोल्डन ब्राउन होने पर इनको प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप इनके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करके किसी भी डिप के साथ खा सकते हो। अब इनको काट के देखते हैं। देखो बाहर से कितने क्रिस्पी है, अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। अब इसमें 1 कप गार्लिक ग्रीन चिल्ली की चटनी डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ चटनी को कैसे बनाना है। 10-12 लहसुन की कलियों को अच्छी तरह तवे के ऊपर रोस्ट करके 1 गिलास में डालना है। उसमें 2 हरी मिर्च, अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाल के बेलन के साथ अच्छी तरह मैश कर लेंगे। फ्रेश मलाई, अमूल क्रीम या तो हंग कर्ड 1 कप, तीनों में से कोई भी 1 कप लेंगे और इसमें गार्लिक ग्रीन चिल्ली में मिक्स करके यही हमारी चटनी है जो इसमें ऐड कर रही है। इस चटनी का भी लिंक मैं आपको ऊपर दे रही हूँ। अब इसी चटनी को हमने चाप में डाल के मलाई चाप रेडी कर ली है। अब इनको लेमन और अनियन के स्लाइसेस के साथ गार्निश करके सर्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।
सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। जल्दी ही मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।